बता दें कि आज दिनांक 14 जनवरी 2024 को 13434 डाउन मालदा टाउन बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आग्रह पर रेल मंत्री भारत सरकार अश्विनी वैष्णव के द्वारा पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया, जिसके प्रथम दिवस पर रेलवे स्टेशन पाकुड़ पर नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावड़ी, राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू, डीआरएम हावड़ा संजीव कुमार, उप विकास आयुक्त शहीद अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजित कुमार विमल सहित हावड़ा मंडल के सभी वरीय पदाधिकारी एवं भारी संख्या में पाकुड़ के नागरिक उपस्थित थे। लोगों का उत्साह चरम पर था। चारों ओर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद का शोर था। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर भारी उत्साह का माहौल था। मोदी जी की चर्चा जोरों पर थी। सभी के मुंह से प्रधानमंत्री मोदी और बाबूलाल मरांडी की तारीफें हो रही थी। लोग गदगद थे, खचाखच भरे हुए थे। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी होते ही ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन हावड़ा मंडल के अध्यक्ष हिसाबी रॉय, सचिव राणा शुक्ला के नेतृत्व में इंजन के समक्ष नारियल फोड़कर पुष्पा अर्पित किया गया। साथ ही उक्त ट्रेन के चालक HS चाकी, उपचालक AK मंडल सहित संरक्षक अमित कुमार चौधरी को तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र प्रदान उनका नागरिक अभिनंदन भव्य स्वागत के साथ किया गया। स्वागत के उपरांत गार्ड एवं ड्राइवर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने भी इजरप्पा सहित पाकुड़ के आम जनमानस का धन्यवाद किया। तदुपरांत मंचासीन अतिथियों ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया। प्लेटफॉर्म पर उपस्थित अपार मानस ने ट्रेन पर पुष्प फेंक कर उसका स्वागत किया और प्रथम दिन ही बड़ी संख्या में पाकुड़ से यात्रियों ने भी अपनी यात्रा का प्रारंभ किया। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और लगातार अपने कामों से 10 साल में इस निराशा के भाव से भरे हुए भारत में एक उम्मीदों का किरण जगा करके देश को विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था 200 सालों तक जिस अंग्रेजों ने हम पे शासन किया उसको पीछे छोड़ के बना दिया, उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और इस बदलते भारत का एक शुभंकर आज यहाँ आपके बीच में मोदी जी ने देने का काम किया है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने कई बार यहाँ के नागरिकों की बातों को रखा चल रहा। मैंने अभी इसके साथ मोदी का एक्सटेंशन एरिया पार्किंग सब कुछ अपने होगा। स्टेशन बिल्डिंग का एक्सटेंशन होना, स्टेशन या पानी वाले सर कोच एंडिकेशन लाइट कभी भी नहीं जलता है, चुपचाप कभी कभी जलता है, इसके पीछे क्या कारण है सर? कोच इंडिकेटर सर प्लेटफॉर्म अगर खराबी है तो नहीं, ये तो कंटिन्यू नहीं चल रहा है सर, इससे तो बड़ी परेशानी होती है खास करके मरीज को। 13434 डाउन मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस।